नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में वार जो है वो शुरू हो चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हर फाइनेंशियल मार्केट पे दिख रहा है, बीट स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट पे इसका असर पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी होती हैं, लेकिन जो ये सरकारों की कुछ अपनी मंशाएं होती हैं, कुछ देशों के अपने जो इरादे होते हैं, उस वजह से वो एक दूसरे के साथ वॉर करते हैं, तो उनकी जो अपनी करेंसीज होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन के केस में देखिए, यूक्रेन एक वीक कंट्री है। तो आज के टाइम में देखिए, अब स्थिति ये हो गई है कि उस करेंसी को कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1978 से गोल्ड बैक स्टैंडर्ड भी नहीं आते हैं, यानी कि जो भी आपका नोट छपता है किसी भी देश का, वो अब गोल्ड द्वारा उसकी बैकिंग नहीं होती है। 1978 में ये बंद हो गया था, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। तो किसी भी देश का जो जो करेंसी है, फिएट करेंसी है, जो नोट है या प्रोमिसरी नोट है, जो हम जेब में पर्स में रखते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये वाला, तो क्या उसकी कोई वैल्यू रह जाती है? अब जैसे यूक्रेन में वार लगी है, रशिया एक बड़ी कंट्री है, उसने यूक्रेन में वॉर शुरू कर दी है, तो यूक्रेन की जो करेंसी है वो वीक हो जाती है। उसको अब कोई भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि यूक्रेन एक छोटी और वीक कंट्री है। तो वहां के जो रेजिडेंट हैं, अब आप देखिए उनका वेल्थ किस तरह वीक हो जाता है, कि उनके पास यूक्रेन में मान लीजिए बहुत सारे यूक्रेन की करेंसी है, तो वो अगर अगर कहीं चलेगी ही नहीं, इवन यूक्रेन में भी वो लोग एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, बिकॉज इट्स बैक्ड बाय नथिंग, इट्स जस्ट अ फिएट करेंसी। ये सिर्फ फिएट करेंसी होती हैं, सिर्फ एक प्रोमिसरी नोट होते हैं किसी भी देश की सरकार द्वारा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नंबर दो जो इसमें करेंसी चलती है वो होती है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक्सेप्टेबल है। आप गोल्ड कहीं भी दुनिया में जाओगे, आपके गोल्ड को तुरंत लेके उसके बदले में आपको कोई चीज दे दी जाएगी, जो भी चीज आप लेना चाहते हो। अब यही आप यूक्रेन को फिर से समझें कि उनकी जो प्रॉपर्टी के कागज हैं, क्या क्या आज वो प्रॉपर्टी बेचना चाहें बेच पाएंगे? कौन खरीदेगा? ये वो टोन कंट्री में कोई भी नहीं खरीदेगा। वो अपना स्टॉक बेचना चाहेंगे, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि कंट्री जो है वॉर में जा चुकी है और छोटी कंट्री है, वहां की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि वीक कंट्रीज के लिए बिटकॉइन जैसी करेंसी एक बूम बनेगी। आज अगर ये प्राइस गिर रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में मैनिपुलेशंस चलती रहती हैं, आपको इसको समझना होगा। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो बिटकॉइन जैसी करेंसी को फंडामेंटली स्ट्रोंग करती हैं और गोल्ड से ऊपर कर देती हैं। उसका मैं आपको कारण बताता हूं कि गोल्ड की जो सप्लाई है वो अभी अननोन है, यानी कि धरती में कितना गोल्ड और निकल आएगा किसी को कुछ नहीं पता। ये मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन नहीं होने वाले, ये कंफर्म है, ये तय है। और लास्ट बिटकॉइन जो है, बीटीसी जो है, वो 2140 ईयर में जाके माइन होगा, 2140 जो सन होगा उसमें जाके वो लास्ट बिटकॉइन माइन होगा। तो दोस्तों, ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों को काउंटर करने के लिए ही बिटकॉइन को बनाया गया। वीक इकोनॉमीज जो होते हैं, उनकी जो जो उनके जो रेजिडेंट होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनकी वेल्थ जो है वैसे ही खत्म हो जाती है। अब जैसे ये वॉर में उनकी वेल्थ खत्म हो जाएगी, उनकी सारी जिंदगी का लेना जो भी उन्होंने कमाया किया, सब सब उनके लिए जो है बेकार हो जाएगा। इसी तरह जैसे अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, उस टाइम भी यही इशू आया था। इस तरह अगर मैं ये कहता हूं कि अगर वीक कंट्रीज भी बिटकॉइन को ऐसे अपनाने लग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन वैसे ही बूम करता रहेगा। अब आप इसको शॉर्ट टर्म में देखना छोड़ दें, अभी जो ये प्राइस गिर रहा है ये टोटली मैनिपुलेशन होता है। मार्केट क्यों गिरती है? देखिए, कोई भी स्ट्रोंग जो एसेट होती है, उसके गिरने के पीछे कारण यही होता है कि वो आपको डरा रहे हैं, आपको आपसे वो एसेट सेल करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा पैसा है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका 20,000 करोड़ लगा हुआ है और उनका पोर्टफोलियो 500 करोड़ लॉस भी दिखा रहा है, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो 50,000 रुपये लॉस दिखाता है, तो आपको बहुत फर्क पड़ने लग जाता है।
तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ वो पैसा लगाएं जिसकी आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं है। रिमेन इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड, पैसे को लगा रहने दे, लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा देगा। और ये इस तरह की जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। उसका कारण भी ये है कि मान लीजिए गोल्ड को आप, अब मान लीजिए एकदम से यूक्रेन वालों को भागना पड़ता है तो क्या वो अपना गोल्ड लेके भाग पाएंगे? नहीं भाग पाएंगे। लेकिन एक बिटकॉइन जो उनका यूजर आईडी पासवर्ड उनके दिमाग में फिट है, उसको आप किसी भी कंट्री में जाके आप उसको यूज कर पाएंगे, आप उसको सेल कर पाएंगे, उसके बदले में आप वहां की करेंसी जो है ले पाएंगे, अपनी फैमिली को खाना दे पाएंगे। तो इन चीजों को समझना, इन फंडामेंटल को समझना बहुत जरूरी है कि बिटकॉइन का फंडामेंटल क्या है। जब आप इसको समझ जाओगे तो ये जो शॉर्ट टर्म में ये प्राइस गिरते हैं या ये जो आप इससे छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हो वो आप छोड़ दोगे। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इस वॉर का जो इम्पैक्ट है, होना नहीं चाहिए, वॉर गलत है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बिटकॉइन पे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही होगा। इसको आप लिख के रख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।